हेलो फ्रेंड्स, मैं मेज़दान और आज से हम सीखेंगे PHP। तो मैं भी इस वक्त PHP की वेबसाइट पर मौजूद हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि PHP जो है वो है क्या। और जो हम पहले जब कि हम स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते थे, फॉर एग्जांपल ये वाली आ गई, जैसे कि स्टडी इन चाइना डॉट सी एफ, ये भी मैंने क्रिएट की है। ये बिल्कुल स्टैटिक है, क्योंकि इसमें जो हमने पीछे से इसमें फंक्शनैलिटी HTML और CSS या JavaScript के थ्रू दे दी है, वही वाली फंक्शनैलिटी रहने वाली है, वो कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन PHP के अंदर हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो होती हैं डायनामिक, मतलब कि वो चेंज हो सकती हैं। एडमिशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैं अगर एडमिशन प्रोसेस में भी आ जाता हूँ, इस पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी एक डायनामिक है, क्योंकि देखें हर दफ़ा अगर मैसेज खुल रहा है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, फेसबुक हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक अगर हमने खोल ली तो इसके अंदर जो पोस्ट्स वगैरह आ रही हैं, ये वाली जो पोस्ट्स हैं ये सारी क्या हैं, डायनामिक है, मतलब कि जो यूज़र पोस्ट करेगा, यूज़र कोई भी यूज़र इसमें पोस्ट ऐड कर सकता है, और जो यूज़र पोस्ट करेगा वो यहाँ पे शो होगी। एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ INEEDMusicians.com, ये भी PHP में बनी है वेबसाइट। तो इसमें भी इसी तरह है कि मतलब कि डायनामिक पोस्ट शो होती है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं कि login.php.rm एक्सटेंशन क्या है, PHP। इसको हम अगर इसका कोड व्यू करेंगे Ctrl-U दबा के, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सारा HTML का कोड आ रहा है, क्योंकि PHP का कोड जो है कभी भी सोर्स कोड के अंदर शो नहीं होता, क्योंकि अगर वो शो होने लग पड़े तो उससे तो हैकिंग काफ़ी होगी। तो यही चीज़ है इसमें। अब जो HTML CSS था सिंपल, उसके अंदर हम ये फॉर्म्स वगैरह के पीछे कोड नहीं लगा सकते थे, मतलब कि लॉगिन लॉगआउट सिस्टम, ये भी हम बआसानी PHP से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट खोली, अब ये कौन सा पेज खुल गया ऊपर, home.php। ये जो प्री लोडर अब आ रहा है ये JavaScript से लगा हुआ है, ये आ गया अकाउंट। इसमें भी उसी तरह है कि मतलब ये लाइक अनलाइक हो रहा है, अभी लाइक और अनलाइक जो कर रहा हूँ ये पीछे जाकर डेटाबेस के अंदर भी स्टोर हो रहा है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि PHP है क्या। अभी देखिए ये जो सारा कुछ है ये भी डायनामिक पोस्ट शो हो रही हैं, इसके बाद जो मैसेजेस होंगे वो भी डायनामिक होंगे शो, व्यू प्रीवियस मैसेजेस, ये जो है ये भी डायनामिकली शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से रिप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर रिप्लाई भी इसका कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा और बाद में इसको मैंने सबमिट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लाई। तो मतलब ये सारा काम हम किससे कर सकते हैं, PHP से, जो कि हम HTML और CSS से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब मैं PHP की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, php.net पे, और इसका मैं मैनुअल रीड करने लगा हूँ, व्हाट इज़ PHP। तो ये क्या कहते हैं, PHP जो एरर कर्सिव, इसका जो एक्रोनिम है, मतलब इसका जो एब्रीवेशन है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव। इसके बेसिकली दो एक्रोनिम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है, मैं यहाँ पे PHP सर्च करता हूँ, एक आ जाता है हमारा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव, और दूसरा आ जाता है पर्सनल होम पेज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आ चुका है पर्सनल होम पेज, पर्सनल होम पेज, और साथ में इसका कौन सा होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव। तो बेसिकली इसमें भी और क्या कह रहे हैं हम, वो भी अभी देख सकते हैं। यहाँ पे अब क्या लिखा है, सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसे कहते हैं, या तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, पर्सनल होम पेज। तो नेक्स्ट ये अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि इस वाइडली यूज ओपन सोर्स जनरल पर्पज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब कि इसे हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। जो आपकी बेसिकली जावास्क्रिप्ट वगैरह थी वो थी क्लाइंट साइड लैंग्वेज, मतलब कि क्लाइंट कहते हैं हम यूज़र को, वेबसाइट की टर्म में क्या कहते हैं, क्लाइंट यूज़र को कहते हैं, जो कि यूज़र हमारी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, वही वाली मैं खोलता हूँ वेबसाइट studyinchina.cf, studyinchina.cf जो मैं यहाँ पे खोलूँगा, इसके मैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पेज के अंदर फॉर एग्जांपल जाता हूँ, तो मैंने भी क्या कहा कि जो जावास्क्रिप्ट वगैरह है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या थी, क्लाइंट साइड लैंग्वेज, मतलब कि अगर क्लाइंट कुछ एक्ट करेगा, ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल एक्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, इवेंट जनरेट किया कोई भी, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये खुल गया, मतलब कि कोई क्लाइंट यूज़र का कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो फिर ये वाली चीज़ परफॉर्म होगी, जावास्क्रिप्ट फिर चलेगी। लेकिन हम PHP की जो कोडिंग है वो तब चलेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है, पोस्ट तब ही शो होगी जबकि पीछे डेटाबेस के अंदर होगी।
मतलब कि इसका जो पीएचपी बेसिकली जो चलती है वो चलती है सर्वर के ऊपर। उसके लिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम लोकल सर्वर जो है इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पीएचपी की वेबसाइट को चलने के लिए एक लोकल सर्वर चाहिए होता है, मतलब लोकल भी हो सकता है या ऑनलाइन होस्टिंग वगैरह हो सकती है, कुछ भी कह लें। तो सर्वर के बगैर पीएचपी काम नहीं कर सकती, मतलब कि जो डेटाबेस में इसे डाटा मिलेगा उस डाटे को पकड़ के ये हमें सामने शो करवाएगी। तो इसमें आगे क्या रहता है, दैट इज़ स्पेशली सुटेड फॉर द वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी सबमिटेड इन टू द HTML, एम्बेडेड इन टू द HTML, के मतलब कि ये HTML के अंदर ही एम्बेड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी HTML का कोड आ रहा है और इसके अंदर ये जो कोड है ये किसका है, PHP का। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, आज तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन जो है उसका वो देख रहे थे। तो व्हाट कैन PHP डू, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो PHP का यही है कि ये सर्वर टाइप लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, और ये इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से और यूज़र के साथ, दोनों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ लॉट ऑफ कमांड्स टू आउटपुट द HTML, के मतलब HTML में हम लॉट ऑफ कमांड्स लिखते हैं, वो PHP ने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। PHP में हम बहुत ही कम जो हैं वो अपने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करके हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि PHP का जो टैग है वो क्लोज किससे होता है, स्टार्ट से होता है, ये वाला क्वेश्चन मार्क PHP, ये एंगल ब्रैकेट एक क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ से स्टार्ट हुआ और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट से क्लोज हो गया, और इसके दरमियान जो कुछ भी आएगा वो होगा PHP का कोड। तो दैट अलाउ यू टू जंप इन टू द एंड आउट ऑफ द PHP मोड, के मतलब तो मतलब कि जो भी हम यहाँ पे टैग्स इसके ओपन करेंगे PHP के, वही यहाँ पे क्लोज करेंगे, और उसके दरमियान जो भी कोड होगा वो किसका होगा, PHP का। तो यहाँ पे और भी लिखा है, व्हाट कैन PHP डू, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो इसमें सिर्फ हमने इतना ही देखना था कि टैग्स वगैरह कैसे ओपन होते हैं और PHP के में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम XAMPP या WAMPP या जो भी है लोकल सर्वर, उसको हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और हम अपना जो PHP का फर्स्ट प्रोग्राम है उसको रन करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।